जय माता की। पांचवे दिन क्यों होती है माँ स्कंद माता की पूजा? नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता को क्यों है समर्पित? माँ स्कंद माता का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। माता रानी का नाम स्कंद माता पड़ना एक पौराणिक कथा के अनुसार बताया जाता है कि स्कंद कार्तिकेय जी को कहा जाता है, यानी कार्तिकेय भगवान का दूसरा नाम स्कंद भी है, और माता जी ने अपने गोद में भगवान स्कंद को लिया है, इसलिए स्कंद माता कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भक्त जन को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोगों को माँ स्कंद माता की सच्ची मन से पूजा और आराधना करनी चाहिए, जिससे संतान प्राप्ति में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाए। नवरात्रि के पांचवे दिन ललिता पंचमी का भी व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से जीवन में आ रही हर तरह की समस्या से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। अगर बात करें माँ स्कंद माता के अलौकिक रूप की, तो माँ स्कंद माता की चार भुजाएं हैं। दाएं भुजा से भगवान स्कंद को पकड़ा हुआ है, नीचे वाली भुजा से कमल का फूल और बाएं भुजा वरद मुद्रा में है। गौड़वर्ण के कारण मैया को गौरी भी कहते हैं, सिंह इनकी सवारी है। नवरात्रि के पांचवे दिन स्कंद माता को उनका प्रिय भोग, यानी कि माँ को सबसे अत्यधिक केला प्रिय है, इसलिए इन्हें केले का भोग लगता है। केले का भोग लगाने से व्यक्ति को बुद्धि और स्मरण शक्ति में अत्यधिक लाभ मिलता है। जो भी भक्तजन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं, उन्हें धन वैभव सुख समृद्धि और सबसे अनिवार्य कि व्यक्ति पुत्र या पुत्री की इच्छा रखता है, वो इच्छा माँ के द्वारा पूर्ण की जाती है, इसलिए माँ स्कंद माता का इन नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्व है। उम्मीद करते हैं स्कंद माता का नाम स्कंद माता क्यों पड़ा और ये दिवस की पूजा करना सभी भक्तजनों के लिए क्यों बहुत जरूरी है, ये रोचक कहानी आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले नवरात्रि की देवियों के बारे में, उनकी पूजा आराधना के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए माता रानी सबका कल्याण करे। जय माता की।